अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल मेरे समर ब्रेक में पहली दफ़ा इस तरह का स्केच बनाया था। उसके बाद से मेरे दोस्त और जानने वाले इसके बारे में मुझसे गाये बगाए सवाल करने लगे, ये किस तरह बनाते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन तमाम सवाल के जवाब देने के साथ साथ आपको ये स्केच बनाना भी सिखाऊंगा। स्क्रीन पर जो आप इस वक्त स्केचेस देख रहे हैं ये भी मैंने ही बनाए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बनाना मुश्किल है तो आप गलत हैं। ये इतना ही आसान है जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझसे पूछे जाने वाले सवालों में से कुछ ये हैं। पहला सवाल, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ? मैं paint.net इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा सवाल, मतलब तुम ऑनलाइन बनाते हो? नहीं, लोग .net की वजह से ऐसा सोचते हैं, दरअसल ये ऑफलाइन है। अगला सवाल, कहाँ से मिलेगा? चले मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से मिलेगा। अपने ब्राउजर की सर्च बार में जाके लिखें paint.net, जो भी रिजल्ट शो हो उसके पहले लिंक पर चले जाएँ और इसे डाउनलोड कर लें। मज़े की बात यह कि ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है वैसे, लेकिन एक बात जहन में रखें कि ये 4.6 नेट फ्रेमवर्क या फिर उससे लेटेस्ट वर्जन पे चलता है। घबराइए नहीं, नेट फ्रेमवर्क का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डाउनलोड करने के बाद जिस फोटो का आपने स्केच बनाना हो उसे ओपन विद paint.net करें। जैसे कि मैं इस तस्वीर का स्केच बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपने कजन के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा हूँ। इस जगह से आप तस्वीर को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। सबसे पहला आपने काम जो करना है एक नई लेयर एक्टिवेट करनी है जो कि इस बटन को दबाने से होती है। आपने जो भी स्केच करना है सारा काम आपने इस नई लेयर पे करना है। अब इधर से एक लाइन टूल जो है आप इसे सिलेक्ट करेंगे और जो चीज़ भी आपने स्केच करनी है उस पर आप लाइन बना देंगे। जब भी आप कोई एक लाइन बनाएंगे उस पर 4 पॉइंट्स अपेयर होंगे, आप उन पॉइंट्स को आगे पीछे जहाँ भी हरकत देकर स्केच बना सकते हैं। अगर आपसे कहीं भी कोई गलती होती है तो आप कंट्रोल जी से अंडू कर सकते हैं या फिर ये वाला बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। Allah
مجيب للسؤال أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال. मैं एक से ज्यादा लेयर्स पे काम करता हूँ, आप सिर्फ एक लेयर पे भी काम कर सकते हैं। स्केच सिर्फ उस लेयर पे बन रहा होगा जो इस वक्त सिलेक्टेड है। साथ में ये निशान आपको बताते हैं कि कौन कौन सी लेयर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मेरा स्केच पूरा हो चुका हुआ है, अब इसमें मैंने कलर भरना है। आपने इधर से एक पेंट बकेट उठानी है, इधर से कोई सा कलर सेलेक्ट करना है और उसे उंडेल देना है। एक बात का ख्याल रखें कि आपका जो स्केच है जिसपे आपने कलर करना है वो एक बंद शक्ल हो, नहीं तो आपका पूरा पेंट पूरी तस्वीर पे फैल जाएगा। हमने कभी भी बैकग्राउंड वाली लेयर पे काम नहीं करना। शर्ट का कलर सेलेक्ट कर चुका हुआ हूँ। स्किन कलर किया जा रहा है। अगर आप एक ही स्केच में डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट कलर देंगे, कुछ लाइटर होंगे कलर, कुछ डार्कर होगा, तो वो एक अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि जो चीज साए में होती है वो डार्कर होती है, इस लिहाज से एक अच्छा इफेक्ट आता है। इसे आप सिर्फ सॉलिड कलर नहीं भर सकते, इसे आप चेंज करके कलर एक पैटर्न में भर सकते हैं, जिस तरह की मैं आप चेंज कर रहा हूँ चश्मे में अपने। ये बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, मेरा खुद का बनाया हुआ, क्योंकि मेरी दाढ़ी इतनी घनी नहीं है कि वो सॉलिड ब्लैक कलर में हो, बालों में खला है, तो इसके लिए मैंने ये इफेक्ट दरियाफ्त किया या कुछ भी कहना। दाढ़ी को सिलेक्ट किया, कॉपी करके नई लेयर पे जाके पेस्ट किया। अब मैं इरेजर से उसमें खला पैदा कर रहा हूं।
अब इफेक्ट्स में जाके मैंने डिस्टॉर्शन में जाके डेंट को सिलेक्ट किया। इससे ऐसा इफेक्ट आता है जैसे आपके बालों के दरमियान खला है। और मैंने वो दाढ़ी लाके अपने फेस पे पेस्ट कर दी। अब उससे मैं सिलेक्ट करके डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो चीज साए में होगी उसे आप अगर डार्क बनाएंगे तो वो एक कूल इफेक्ट लगता है। जिस तरह के मेरे शर्ट पे सलवटे हैं, तो अगर मैं उन सलवटों को बना रहा हूँ एट द एंड वो एक अच्छा इफेक्ट देता है। आपने कुछ नहीं करना, एक बस बंद शक्ल सी बनानी है और उसमें थोड़ा सा डार्कर कलर भर देना है। तो हमारा स्केच कंप्लीट हो गया, मैंने सेव कर लिया। अल्लाह हाफिज़।